दोस्तों हम अपनी मंजिल बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है आपको भी दिखाते हैं। ये बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो ये है इतिहाद ट्रेन, ये उसका एक स्टेशन है। मैकडोनल्ड भी है और सबवे भी है और पाकिस्तानी इंडियन खाना भी यहाँ पर मिलता है। सफर में हमें मुश्किल दोस्तों गाड़ियों में होता है क्रूज़ का एक सिस्टम, आइए वो भी ट्राई करते हैं। मेरी गाड़ी में भी क्रूज़ का सिस्टम है लेकिन इसके बारे में बहुत मैंने सुना हुआ है। ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबा है। ये पार्क कम हो गई है, मौसम सही है, ठंडी हवा चल रही है, लेट्स एंजॉय। चलो इसका भी मज़ा लेते हैं, देखते हैं थोड़ा मौसम भी सही हो जाए फिर सफ़र जारी करते हैं अपना। भाई हमको चाय तो दे दो। अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते शुरू। मैंने आज जाना है अबू धाबी एयरपोर्ट पे, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। लेकिन बहुत बारिश हो रही है दुबई में, बाहर देखते हैं कि कैसा माहौल है। बारिश लगता है बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इतनी बारिश तो हमने नहीं देखी दुबई में, पानी बहुत ज़्यादा है। बारिश बहुत ज़्यादा ही हुई है दोस्तों एक दफ़ा। अभी तो मेन रोड पे मैं निकलूँगा तो पता चलेगा कि कितनी बारिश है। लगता है ये गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई छोड़ के चला गया है ये जो ब्लैक। दोस्तों मेन रोड पे निकलते हैं, देखते हैं कि बाहर की क्या सूरत हाल है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तवक्को से ज़्यादा बारिश हुई है आज, तो बाहर का माहौल देखते हैं। मेन रोड पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसा माहौल है। तो बारिश बहुत ज़्यादा है दोस्तों, शेख जायद रोड का आपको व्यू दिखाता हूँ, ट्रैफिक काफ़ी है दोस्तों। दुबई में पहले बारिश आती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, थोड़ी थोड़ी आती थी बारिश लेकिन ज़्यादा दिन रहती थी। अभी थोड़ा अर्सा हुआ है, ये 2-3 साल से बारिशें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, पानी बहुत ज़्यादा होता है रोडों के ऊपर। मुझे जो है ना रोड बिल्कुल आगे क्लियर नहीं नज़र आ रहा, आपको कैमरे में क्लियर नज़र आ रहा होगा। साइन बोर्ड पे भी ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि एहतियात से गाड़ी चलाएं मौसम को देख के। ये मरीना दुबई है, शेख जायद रोड भी खाली है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लोग घरों में हैं, बारिश की वजह से बाहर नहीं निकले। दोस्तों मैं पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ, यहाँ पे पेट्रोल भी डलवाते हैं और चाय भी पीते हैं, थोड़ा मौसम भी सही हो जाए फिर सफ़र जारी करते हैं अपना। दोस्तों अगर आप दुबई से अबू धाबी जा रहे हैं तो ये पेट्रोल पंप जबल अली से पहले आता है, ये बहुत ही अच्छा स्टाफ है। यहाँ पर आपको हर चीज़, पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हर चीज़ मिलती है। और यहाँ पर मैकडोनल्ड भी है और सबवे भी है और पाकिस्तानी इंडियन खाना भी यहाँ पर मिलता है। अगर आप अबू धाबी जा रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर रुकें, रिफ़्रेश होकर तो फिर अपना सफ़र जारी करें। भाई हमको चाय तो दे दो, सादा चाय। दोस्तों बारिश रुक गई है, बारिश बहुत कम हो रही है, अभी मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है। चाय लेते हैं और फिर अपना सफ़र करते हैं जारी अबू धाबी की तरफ। दोस्तों बारिश की वजह से साइड मिरर पे बहुत पानी है, ये पहले क्लीन कर लें ताकि सफ़र में हमें मुश्किल ना हो। दोस्तों चाय हमने ले ली है, अभी हम अपना सफ़र करते हैं शुरू अबू धाबी एयरपोर्ट की तरफ। अभी बारिश बहुत कम हो गई है, मौसम सही है, ठंडी हवा चल रही है, लेट्स एंजॉय। दोस्तों ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये है दुबई थीम पार्क, बहुत ही अमेजिंग जगह है बच्चों और बड़ों के लिए। मैं तो इसके अंदर नहीं गया लेकिन इसके बारे में बहुत मैंने सुना हुआ है। ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबा है ये पार्क और ये पूरा घूमने के लिए आपको एक हफ्ता चाहिए तकरीबन। इसके अंदर बहुत एक्टिविटी वाली चीज़ें हैं, स्विमिंग पूल हैं और जो थीम पार्क होता है इसकी टिकट तकरीबन मेरे ख्याल में 150 या 200 के करीब इसकी टिकट है, कंफर्म नहीं है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। ये आता है जबल अली के बाद, बहुत ही अमेजिंग पार्क बनाया है ये गवर्नमेंट ने। दोस्तों
दोस्तों गाड़ियों में होता है क्रूज का एक सिस्टम, आइए वो भी ट्राई करते हैं। मेरी गाड़ी में भी क्रूज का सिस्टम है, उसका मैं आपको पहले बता दूं। वो होता क्या है कि हम एक ही स्पीड के ऊपर फिक्स कर लेते हैं और एक्सीलेटर प्रेस नहीं करते और गाड़ी खुद ब खुद चलती रहती है, इसे बोलते हैं क्रूज। ये मैं क्रूज सेट कर रहा हूँ, ये क्रूज चालू हो गया और अभी ये फिक्स मैंने कर दिया है। इसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर। अब एक्सीलेटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद जो है ना गाड़ी चलती रहेगी। ये जो ऑप्शन है सिर्फ आप जो लंबे रूट होते हैं उनके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। ये गाड़ियों कुछ गाड़ी में होता है, कुछ में ये नहीं होता, तो मुझे याद आ गया तो मैंने कहा चलो इसका भी मज़ा लेते हैं। ये क्रूज़ का ये मज़ा होता है दोस्तों, गाड़ी पड़ जाए तो आप ब्रेक भी लगा सकते हैं तो ये खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है। फिर अगर आगे कोई गाड़ी आ जाती है इमरजेंसी में, आपने ब्रेक मारने, तो ये क्रूज का जो फंक्शन है खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। दोस्तों आगे मैं आपको दिखाऊंगा, यूएई ने एक ट्रेन बनाई है, इत्तेहाद ट्रेन, वो जो है वो पूरे गोल्फ में चलेगी। अभी वो ट्रेन सिर्फ मेरे ख्याल में ये सामान वगैरह के लिए इस्तेमाल होगी, पैसेंजर के लिए नहीं होगी। ये है इत्तेहाद ट्रेन, ये उसका एक स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत है। इस ट्रेन के ऊपर कार्गो वगैरह जो है ना वो ट्रांसफ़र करेंगे एक एमिरेट से दूसरे एमिरेट्स में। ये आती है शाहमा के करीब, खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पर। दुबई से अबू धाबी जाते हुए जो रोड है ये शेख जायद रोड कहलाता है और इसमें तकरीबन 6-7 लाइनें होती हैं और इसमें जो ट्रक वगैरह होते हैं उनके लिए सिर्फ एक लाइन ही मुख्तसर होती है, वो एक ही लाइन में चलते हैं, उनको लाइन चेंज करने की इजाज़त नहीं होती। अगर वो लाइन चेंज करते हैं तो उनको फ़ाइन मिलता है। अब ये देखें कि जो भी ये पैसे गाड़ियाँ जा रही हैं ट्रेले वगैरह या कमर्शियल जो गाड़ियाँ बड़ी, वो एक ही लाइन में आपको दिखाई देंगी, वो लाइन नहीं चेंज कर सकती। जो प्राइवेट कारें हैं वो लाइन चेंज कर सकती हैं, लेकिन जो ये कंटेनर ट्रेले और बड़ी पिकअप है वो एक ही लाइन में रहते हैं। ये रूल है दुबई रोड का। दोस्तों हम अपनी मंजिल बिल्डिंग आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों मैं अबू धाबी से वापस दुबई पहुंच गया हूं, यहां पे अभी तक भी बारिश जारी है, बारिश नहीं रुकी। बहर का माहौल आपको दिखाता हूं, बहुत ही ज़्यादा पानी है रोडों के ऊपर। दोस्तों इस गाड़ी को देखें, बारिश में बहुत खुश हो रही है, इसके जो वाइपर चल रहे हैं ऐसे लगता है बहुत खुश है ये। दोस्तों हमारे गाड़ी की नंबर प्लेट जो है ना गिरने वाली थी, किसी ने हमें बताया कि आपकी नंबर प्लेट गिरने वाली है, हम इसके स्क्रू टाइट करते हैं ये ना वो गिर जाए और हमें नई बनवानी पड़े। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।